हेलो इवीज, वेलकम टू गुरु मांडी टैरो। और ये रीडिंग है 4th of December से लेके 10th of December तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर एवीज। टू ऑफ सोर्ड्स। Eight of Pentacles, Ten of Cups, Two of Pentacles, Nine of Wands. Okay, तो Ten of Cups है यहाँ पे। लगता है कि ये पर्सन आपके बहुत क्लोज आना चाहता है एंड इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपको लेके। हो सकता है कि ये एक नया रिलेशनशिप हो आपके लिए एंड आपने अभी उतनी दूर तक की नहीं सोची जितना दूर तक ये पर्सन अपने ख्वाबों में पहुंच गया है। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन अपने ड्रीम्स को पेंट कर रहा है। देखिए जरा इनके कलरफुल ड्रीम्स को। ये पर्सन बहुत कुछ प्लान कर रहा है। आई थिंक ये शादी तक की सोच रहे हैं कि हो सकता है कि हम नेक्स्ट ईयर मैरिड हो या कुछ और, जो कि उन्होंने बहुत लंबे समय से सोच रखा था कि वो अपने लवर के साथ यहाँ जाएंगे टूर पे, वहां जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। इस पर्सन के ड्रीम्स बहुत कलरफुल हैं और बहुत रोमांटिक टाइप का पर्सन लग रहा है आपका ये लवर। टेन ऑफ कप्स के साथ आप लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली हर चीज से जूझने को तैयार है। आप नाइन ऑफ वांड्स देख रहे हैं यहाँ पे। चाहे रास्ते में कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, ये पर्सन पूरी तरह से आप पे फिक्स्ड है। ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है और इस रिलेशनशिप को डिफेंड करना चाहता है किसी भी हाल में। ओके, बचाना चाहता है किसी भी हाल में एंड इसीलिए ये शायद थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो जाए। आप सोचेंगे मेरी रीडिंग सुन के कि ये पर्सन ऐसा कुछ कह तो नहीं रहा या ऐसा कुछ एक्सप्रेस तो नहीं कर रहा। इस पर्सन को ये भी डर है कि कहीं वो आपको गवा ना दे या उनसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हर कदम फूक फूक के चल रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स एक फ्रेंडशिप के बारे में, ये चाहते हैं कि जब कुछ श्योर हो जाए, जब इन्हें ऐसा लगे कि ये कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, तभी आगे बढ़े और तभी ये आपसे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें, वरना हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए और फिर से फ्रेंड जोन कर दिया जाए या हो सकता है फ्रेंड भी ना रहे आपके। ये चीज इन्हें काफी डरा रही है। ये नया रिलेशनशिप है तो ये पर्सन अपने इरादों को पूरी तरह से जाहिर नहीं कर रहा, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद इनके आइडियाज आपको पसंद ना आए, इनके ये ड्रीम्स आपको पसंद ना आए और आपको लगे कि ये पर्सन कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहा है या कुछ ज्यादा ही क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। आपको ये अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहेंगे और इसलिए टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपनी जगह पर फंसे हुए हैं। ओके, यानी कॉन्टिन्यूसली ये सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कोई भी चीज कहने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। कोई मैसेज टाइप करते हैं आपको भेजने से पहले 100 बार सोचते हैं कि सेंड करें या नहीं करें। और जब भी आप इनसे कुछ पूछते हैं, रिप्लाई करने से पहले सोचते हैं कि कौन से वर्ड्स सही रहेंगे। तारीफ करने से पहले सोचते हैं कि कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए और कौन से वर्ड्स नहीं, क्या आपको ऑफेंड करेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा। बहुत कंफ्यूज लग रहा है ये पर्सन और इसीलिए कुछ कह नहीं पा रहा। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Pentacles,
सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. इस पर्सन को लगता है कि आप स्मार्ट हैं, आप सब कुछ समझ सकते हैं, और इसीलिए वो भी आपको स्मार्ट बन के दिखाएंगे. वो आपको ये शो करेंगे कि वो आपके लायक है. हो सकता है कि आपको कुछ बहुत ब्रिलियंट आइडियाज बताएं, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करें. आप कुछ भी उनसे कहेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो आपको दे ही दे या आपके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें. किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने आप को प्रूव करना चाहता है, अपने वर्थ को प्रूव करना चाहता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्हें लगता है कि आप और वो एक परफेक्ट कपल है, इतने परफेक्ट कि ऐसा कोई कपल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं. मतलब जरूरी नहीं कि आप एक दूसरे को सालों से जानते हो, पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको पता नहीं कब से जानते हैं, और एक नेचुरल कनेक्शन फील होता है इन्हें आपके साथ. थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, पर जब भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की बात आती है, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज हो जाता है. सोचने लगते हैं कि क्या कहे क्या ना कहे. एस ऑफ वांड्स है विश ग्रांट होने के बारे में. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी जो प्रेयर्स थी वो सुन ली गई है, इनकी जो भी इच्छा थी उसे यूनिवर्स अब इन्हें ग्रांट करना चाहता है, देना चाहता है, और आप ठीक उनके सामने हैं. पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहें, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें, कैसे इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करें. वो एक चैलेंज बन गया है इनके लिए. किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आपको बहुत कुछ अपने लाइफ के बारे में बताएं, जैसे कि उन्होंने अपने लाइफ में ये अचीव किया है, वो अचीव किया है, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं, ताकि वो आपको जितना इम्प्रेस कर सकते हैं उतना इम्प्रेस करें, ताकि रिजेक्शन के चांसेस उनके बहुत ज्यादा कम हो जाएं. हो सकता है कि इस वीक में ये पर्सन जब भी आपसे मिलने आए बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आए, और सोशल मीडियाज पे अपने पिक्चर अपलोड करे काफी बंधन के, एंड आप पे इम्प्रेशन जमाने की कोशिश रहेगी इनकी, आपका अटेंशन पाने की कोशिश रहेगी इनकी, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इन पे पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएं, वो आपकी एक प्रायोरिटी बने. और जब वो प्रायोरिटी बन जाएंगे तब वो थोड़े से ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे अपनी फीलिंग्स को लेके, एंड फिर वो आपके साथ ओपन अप हो सकते हैं. बहुत सारे कप्स आपके रीडिंग में. हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, पर ये इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी. ओके, एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए. ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कह रहा है कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, एंड ये एक नए चैप्टर की शुरुआत है, एक ब्यूटीफुल स्टोरी की जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी. जो कुछ भी इस वीक में शुरू होगा वो आपके साथ हमेशा रहेगा. ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, ये पर्सन ही वो पर्सन हो सकता है जो आपको लगेगा कि आपके लिए परफेक्ट है. भले ही अभी ना भी लग रहा हो तो भी आपको बाद में ऐसी फीलिंग हो सकती है कि ये ही पर्सन वो है जो आपको सबसे ज्यादा खुश रख सकता है. ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए. हो सकता है आप थोड़े से स्केप्टिकल हो जाएं इस पर्सन को लेके, और अभी तक आप श्योर ना हो. श्योर होने के लिए आप अपना वक्त ले सकते हैं, पर ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपने गिफ्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए. और अगर आप रिलेशनशिप में अभी आने के लिए तैयार नहीं है या श्योर नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं डेफिनेटली, पर इस फ्रेंडशिप को यही रहने दीजिए. ये फ्रेंडशिप किसी ब्यूटीफुल चीज की शुरुआत है, एंड ये धीरे धीरे अनफोल्ड होगा. ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.